नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। सुबह सुबह का समय हो और लोगों का आवागमन आप देख रहे होंगे। जो सामने अटल एकता पार्क है, जहां पर लोग जाकर सांसें ऊपर सांसें नीचे, छोड़ो लेओ छोड़ो लेओ एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं और अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए अटल एकता पार्क में आते हैं। सामने सीपरी की ओर जाने वाली रास्ता है, देख रहे होंगे आप। अब चुनाव की हलचल भी बढ़ गई है। 20 तारीख को चुनाव है झांसी में। सुबह की भागम भाग लोगों की, कोई अपने ऑफिस की तरफ, कोई घूमने की तरफ, और इसी बीच में महिला भी पीछे नहीं है। हम एक महिला को दिखाते हैं जो छतरी लगाकर बीच सड़क पर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, ये बड़े गर्व की बात है। और एक आदमी को काम दिया है, ये भी कम नहीं है। और महिला शक्ति ने पुरुष को काम दिया है, ये बड़े भाग की बात है। आपको झांसी में पहली बार देखने को मिल रहा होगा कि एक महिला एक पुरुष को काम दे रही है। और ये महिला बहुत चर्चित महिला है, आप जानते होंगे। और ये पता नहीं क्या क्या लुखड़ियाँ जानती हैं, कौन सी खोज करके आई हैं कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखती हैं, और सब गटर पटर करके जूस बनाती हैं और कहती हैं इसको पियो आप स्वस्थ रहेंगे, यूनिटी पावर बढ़ेगा। और बढ़ता भी है, जैसा कि बहन जी पी रही हैं। बहन जी बढ़ रहा तुम्हारा यूनिटी पावर? बढ़ाते तो खांसी वांसी जुकाम नहीं होती क्या तुम्हें? तो आप घूम में आती हो आप? तो जब डॉक्टर बता दे तो आदमी को तभी घूम में, क्योंकि याद का याद शुरू से अगर घूमत रहे छोटे से तो स्वस्थ रहेगा। अधिकतर देखा होगा डॉक्टर कहता कि आप घूमना चालू करो, तभी क्यों करता है आदमी? सांसें ऊपर लो छोड़ो लो छोड़ो, शुरू से करना चाहिए ना। आप देख रहे होंगे जे नारी शक्ति इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि दूसरों को भी रोजगार देती हैं। और इनके 3 लड़के भी लगे हैं लच्छी पार्क के सामने, एक इनका जूस का और लगता है स्टॉल दीनदयाल सभागार। अब ज़्यादा ना बताओ, नहीं इनकम टैक्स वाले तुम्हारे गौर करने लगे। आप देख रहे होंगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ये जूस। काय काय का जूस बनाती बहन जी? इसमें जूस रहता है करेला, नीम, गिलोय, एलोवेरा, जवारा, तुलसी, बाकी ये सब्जियों का रस होता है जिसमें लौकी है, आपका चुकंदर है, गाजर है, खीरा टमाटर है, पालक है, पुदीना, धनिया, ये सब मिक्स करके जूस लेते हैं। बाकी का आप वैद्य से बात करिए, वैद्य आपको तो ये सब जो रस हम दे रहे हैं इन रसों का फायदा है, जैसे बीपी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, अपना फैट वगैरह है, इन सब चीज़ों में ये फ़ायदा करता है। और हम ये चीज़ें अगर लेते रहते हैं तो हमें बीमारियां कम होती हैं। और आज हम इन चीज़ों से अगर जुड़े रहेंगे तो आगे हम स्वस्थ रहेंगे, ये हमारा। आप देख रहे होंगे अब इसमें करेला, लौकी, पालक और पीपल के पत्ते, गेहूँ के जवा के पत्ते, धनिया, पुदीना सब गटर पटर करके अब आदमी को पिलाऊ तो देखना तो मज़ा इसका। आदमी दौड़ो दौड़ो फरे, गर्मी के सीजन है, इम्यूनिटी पावर और बढ़ जाए। क्या बच्चा कब से पी रहे हैं इनको जूस? 8 महीने बढ़ गई इम्यूनिटी पावर, अच्छी है। डॉक्टरों के चक्कर कम लग रहे हैं। अच्छा, शुगर मेंटेन है? है ही नहीं शुगर। अच्छा, शुगर है ही नहीं। गड़बड़ क्या हुआ ये तो नहीं पता, अच्छा क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन बुरा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, बुरा कुछ नहीं हुआ। क्या बहन जी क्या पैसा वो देती है? ये 30 रुपीज़ का जूस होता है। हाँ। और खोटी का भी होता है इसमें, जैसे पुमड़े वगैरह का जूस जो देते हैं खोटी का होता है, चैनल बता रहे हैं। 30 रुपीज़ का भी होता है इसमें। वो काय के लाना है काम आपको? ये मैंने बताया ना कि जैसे आपका डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, फैट है, तो अलग अलग पिलाते हैं। रसों के अलग अलग भी है और अलग अलग रस भी है, जैसे गेहूँ जवारे का जो रस होता है वो अपना ब्लड की जैसे कमी होती है तो उसमें काम करता है। जैसे सब मिला के देती हूँ वो कितने का देती हूँ? 30 रुपीज़ का, मिक्स में 30 रुपीज़ का तो सब रहता उसमें। हाँ, उसमें सब रहता है, सब्जियों का भी 30 रुपीज़ का है और जड़ी बूटी वाला भी 30 रुपीज़ का है। अच्छा अच्छा। हाँ। आप देख रहे होंगे काफ़ी मेहनत लगती है इसमें,
ये सरल काम नहीं है, दो दिन पहले से सारा सिलसिला लगाना पड़ता है, चना और मूंग वूंग सब फुलाना पड़ती है, फिर उसमें टीका आते हैं, सारा सिस्टम है। और आप देख रहे होंगे ये पुरुष को भी 10,000 रुपये देती है महीने के, आज इससे कम कोई काम नहीं करेगा। सामने अटल एकता पार्क है, इसी पार्क में सांसें ऊपर सांसें नीचे आदमी छोड़ते हैं, हाथ इधर हाथ उधर, आगे बढ़ पीछे मोड़, ये सब करते रहते हैं। अगर लोग बचपन से व्यायाम करें तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जब डॉक्टर बताता है, जब कोई बीमारी हो जाती है तभी आदमी को घूमने की व्यायाम करने की याद आती है, ये सही नहीं है। अगर आप शुरू से करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई साहब आपको कैसा लग रहा है कि आपको जो 10,000 रुपये में काम मिला है तो आपका घर चल जाता है? देखिए सच्चाई यही है कि घर चलाने के लाने तो 10,000 हों, 5,000 हों, 20,000 हों, पर घर चलाने के लाने तो आप आदमी के उल्टे सीधे खर्चे ना हो तो 6,000 में भी खर्च चल जाएगा।